हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। दोस्तों, आपका पीएफ में स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपका जो ओटीपी है वो किस तरह से आएगा और कहाँ पर आपको अपना ओटीपी सबमिट करना होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल लाइव देखने के लिए मिल सके कि अब आपको नए तरीके से अपना जो पीएफ में स्टेटस है वो किस तरह से आपको चेक करना। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल पर आकर सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है sarkarijob.co, इस तरह से गूगल पर लिखकर आपको सर्च करना है, जिसकी स्पेलिंग आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई है। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है, इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को यहां से आपको ओपन कर लेना है। चलिए इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने ये जो वेबसाइट है कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इंस्टॉल sarkarijob.co ऐप। इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप इस वेबसाइट की जो ऑफिशियल ऐप है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यूपी स्कॉलरशिप चेक स्टेटस 2020-21। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करने के साथ साथ सभी लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल डेट, इसके अलावा ऑफिशियल जितने भी स्टेटस हैं, इसके अलावा ऑफिशियल नोटिस, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर आपको मिलती रहेंगी। एक बार इस वेबसाइट पर आकर आप जरूर आसानी से सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते होंगे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए आसानी से मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते होंगे स्कॉलरशिप ब्रेकिंग न्यूज़ पर क्लिक करके आप यहाँ से स्कॉलरशिप से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा चेक आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्लिक हर पर क्लिक करके आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जिस बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, चेक स्कॉलरशिप स्टेटस बैंक अकाउंट ऑल स्टूडेंट्स, क्लिक है। ठीक है, यहाँ ही पर ही आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ नीचे क्लिक हर पर आपको क्लिक करना है। और आज का भी स्टेटस हम बिल्कुल इसी वेबसाइट से देखेंगे, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। अगर आपको देखने के लिए ना मिले तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोल दीजिए, जी हाँ दोस्तों आप आ चुके हैं पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो फटाफट इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की बिल्कुल लाइव अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। अभी तक आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए नहीं मिला होगा जब से पीएफएमएस की वेबसाइट अपडेट हुई है। सो चलिए फ्रेंड्स, आपको लाइव दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना बैंक नेम एंटर करना है, जैसे कि आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पर नेम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद हमें अपना जो बैंक है वो यहाँ से चूज कर लेना होगा। स्टेट बैंक ये आ चुका है और यहाँ से हम अपने स्टेट बैंक को चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो अकाउंट नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है, दोनों ही जगह आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, चलिए अकाउंट नंबर इंटर करते हैं फटाफट। हमारे पास कॉपी किया हुआ है, हमसे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे, तो चलिए दोस्तों कैप्चा कोड को भी इंटर करते हैं फटाफट। और दोस्तों इस कैप्चा कोड को लिखने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको बिल्कुल लाइव देखने के लिए मिल पा रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपका जो ओटीपी है कुछ इस तरह से लिख कर आएगा, ओटीपी फॉर नो योर पेमेंट हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो भी आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो मेरे बैंक में ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। सो फाइनली इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट शेयर दी ओटीपी विद एनीवन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, ये ओटीपी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। और अब इस ओटीपी को आप काफी ज्यादा परेशान थे कि ओटीपी फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ओटीपी फिल करने का ऑप्शन भी आपको मिल चुका है। आप बिल्कुल लाइव देखिए यहां पर, ठीक है, कैसे देखिए, बिल्कुल लाइव देखिए, ये इंटर ओटीपी आ रहा है। ठीक है, अब आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आया उसे आपको फटाक से यहां पर लिख देना है। ठीक है, और यदि ओटीपी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मोबाइल पर ओटीपी एक बार में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से रिसेंड ओटीपी पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जैसी ओटीपी आपको मिल जाता है तो ओटीपी आपको यहां पर लिखना है। एक चीज और है, यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने एक बार में यहां पर ओटीपी नहीं आया, मैं कई दिन से और कई बार लगातार मैंने चेक किया है, कम से कम 10 से 15 बार मैं सुबह से ट्राई कर रहा था तब जाकर यह ओटीपी मुझे प्राप्त हुआ है। यदि आप बिल्कुल एक बार में सोच रहे हैं कि ओटीपी आ जाएगा तो निश्चित रूप से ओटीपी नहीं आएगा, आपको बहुत सारी मेहनत अभी करना पड़ रही है।
और मैंने भी यहाँ सुबह से लगातार ट्राई कर रहा था कि किसी भी तरह से ओटीपी आ जाए तो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाकर बता सकूं, जिस वजह से यहाँ पर आपको बिलीव हो सके, कंफर्म हो सके कि हाँ अभी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पाई है और काफ़ी देर के बाद यहाँ पर ओटीपी आया है। तो दोस्तों आप भी लगातार ट्राई कीजिए और लैपटॉप पर ट्राई कीजिए, मोबाइल में नहीं हो पा रहा तो लैपटॉप पर ट्राई कीजिए और जो ब्राउजर है वो मोज़िला फायरफॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, ठीक है। गूगल क्रोम पर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। रैंक नेम वहाँ पर टाइप होने के बाद सर्च लिस्ट नहीं आ पा रही, इसलिए मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउजर को आप यूज कीजिए और लैपटॉप पर आप सर्च कीजिए, निश्चित रूप से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे आपको यहां पर फिल कर देना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो भी पीएफएमएस स्टेटस होगा वो आपके सामने शो होने स्टार्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में लाइव आपको दिखा चुका हूं, सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले लेकर आता हूं। इस वेबसाइट पर आकर आप फटाफट अपना पीएफएमएस स्टेटस जो है वो जल्दी से चेक कर लीजिए। अगर आप इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं सबसे पहले तो इस चैनल को बिल्कुल अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।